आपको बता दें रिपब्लिक भारत से शांभवी चौधरी क्या कुछ बोली, वो कहती है रिकॉर्ड अंतर से जीत होगी, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार काम हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी खबर ये आपको बता रहे, शांभवी चौधरी ने कहा नीतीश जी का साथ मिल रहा है, पीएम मोदी के नेतृत्व में काम हो रहा है, जनता के लिए काम करना है और लगातार जनता की सेवा में जुटे रहेंगे, रिकॉर्ड अंतर से जीत होगी रिपब्लिक भारत से। शांभवी चौधरी ने ये बड़ी बातें कही हैं, आपको सुनवाएंगे शांभवी चौधरी ने क्या कुछ कहा। हम इस वक्त समस्तीपुर लोकसभा सीट पर हैं और ये सीट हॉट सीट बन गई है, वजह है शांभवी चौधरी। शांभवी चौधरी वजह क्या युवा, ये भी आपको बता देते हैं, बेटी अशोक चौधरी के जेडीयू के कैबिनेट मंत्री हैं और टिकट इनको एलजेपी यानी चिराग पासवान की पार्टी से मिला है। शांभवी हमारे साथ है, प्रचार के लिए निकल रहे हैं। शांभवी ये को सिक्वेंस नहीं है, पापा जेडीयू में मिनिस्टर, टिकट मिल रहा है चिराग की तरफ से और मोदी जी का सपोर्ट भी है। बस सबका आशीर्वाद है, सबका प्यार है और मेहनत, ये सारा चीज़ ऑब्वियसली बहुत प्लस पॉइंट है, बट मेहनत तो हमको उतना ही करना है और जितने चाहें उतने लोगों से मिलना है। जेडीयू से टिकट नहीं मिला, पापा जेडीयू में थे या फिर पापा का रुतबा काम आया, साइन की दोस्ती चिराग के साथ? हमने जेडीयू से ट्राई ही नहीं किया, हम चिराग भैया से ज़्यादा रेजोनेट करते थे, हम चिराग भैया की पार्टी ही ज्वाइन करना चाहते थे, हम चिराग भैया की पार्टी ज्वाइन किए। एंड ऑफकोर्स सायन के बहुत अच्छे, वो मतलब आप कह सकते हैं कि सायन के लाइफ में वो एक बड़े भाई की भूमिका निभाते हैं, तो बस वही सब चीज़ की वजह से हम लोग चिराग भैया की पार्टी ज्वाइन किए। कितना टफ लग रहा समस्तीपुर, दिल्ली में पढ़ी लिखी फिर पटना आई फिर यहाँ पीएचडी आप परस्यू भी कर रही हैं, इकोनॉमिक्स जो स्कूल है वहाँ से पढ़ी हैं आप पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर लेडी श्री राम कॉलेज, दिल्ली की धूप सर्दी और यहाँ का आप रोड पे जा रहे धूल खा रही हैं बिल्कुल। देखिए हर चुनाव का अपना चुनौती होता है, हर चुनाव में उतना ही मेहनत करना पड़ता है, कोई ऐसा नहीं होता है कि चुनाव में उतरते और चुनाव जीत जाता है, तो हम भी वो सारा चीज़ सोच के नहीं आए, हम तो चाहेंगे कि हम जितने से ज़्यादा लोग के संपर्क में आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग से मिल सके, तो हमें मेहनत तो कड़ी करनी है ही और जनसंपर्क का जो अभियान है, बुज़ुर्गों का जो आशीर्वाद लेने का अभियान है वो हम लोग का चालू है। जहाँ तक रही बात दिल्ली से पटना आने की, तो पटना दिल्ली से बिहार आने की, तो पटना तो हम 2 साल पहले ही आ गए थे और ये नोशन पूरा गलत है कि हम दिल्ली में रहते हैं, हम बिहार की बेटी हैं, बिहार में ही रहते हैं और 2 साल से बिहार में ही रह रहे, दिल्ली पढ़ाई करने गए थे, वापस बिहार की सेवा करने के लिए आए हैं और जो गर्मी है जो ये, जहां हमारी जनता रहेगी हम भी वहीं रहेंगे। जी को रिकॉर्ड वोटों से जिताएंगे। साथियों ये चुनाव सिर्फ एक सांसद चुनने का चुनाव नहीं है, ये सशक्त भारत के लिए एक सशक्त सरकार बनाने का चुनाव है। जितनी मजबूत ताकतवर मजबूत केंद्र सरकार होगी उतना मजबूत दुनिया का भारत पर भरोसा होगा, फिर उतना ही अधिक निवेश यहां आएगा, फैक्ट्रियां लगेगी, विदेशी टूरिस्ट आएंगे। बीजेपी सरकार ने G20 की मीटिंग नॉर्थ बंगाल में इसीलिए रखी थी, मकसद यही था कि ये क्षेत्र इंटरनेशनल टूरिज्म मैच पर पहुंचे। आज केंद्र सरकार यहां चौड़ी सड़कें बना रही है, रेल कनेक्टिविटी बेहतर कर रही है, धूपगुड़ी जलपाईगुड़ी रोड, एनजेपी स्टेशन को आधुनिक बनाने के लिए भी तेजी से काम चल रहा है। ऐसे ही प्रयासों से नई नौकरियां, नए अवसर बनेंगे, हर परिवार का जीवन बेहतर होगा। सबको साथ लेकर
सबका विश्वास जीतकर सबका विकास करना ही तो भाजपा का लक्ष्य है, यही तो विकसित भारत का संकल्प है। इतना ही तो विकसित भारतेर संकल्प, और इस संकल्प के लिए आज हर भारतीय पूरी शक्ति से प्रयास कर रहा है। यहां जो लोग हैं, मेरी उनसे प्रार्थना है कि मैदान छोटा पड़ गया है, मैं जानता हूं आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपके आशीर्वाद मुझे मिल रहे हैं, आपका प्यार मुझे मिल रहा है, और ये उत्साह उमंग शायद ऐसी सभा, इतना विराट दृश्य, ये तो बहुत बड़े आशीर्वाद है आपके। साथियों, विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए मेरा भी हर पल हर क्षण देश के लिए है, और इसलिए 24/7 मैं 24/7 के लिए काम कर रहा हूं। 24/7 फॉर 2047, ये हम सबका संकल्प है, और मेरा विश्वास है हम सब मिलकर विकसित भारत जरूर बनाएंगे। साथियों, एनडीए सरकार के 10 वर्ष गरीब एसटी एसटी परिवार माताओं बहनों के जीवन को आसान बनाने के रहे हैं। आप याद कीजिए, जिन करोड़ों गरीबों के पास बिजली पानी गैस कनेक्शन नहीं था, उसमें बड़ी संख्या में हमारे एससी एसटी परिवार थे। शौचालय ना होने से हमारे एससी एसटी समाज की महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी होती थी। सरकार की योजनाओं में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नुकसान एससी एसटी परिवारों को उठाना पड़ता था। साथियों, आपने मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने हालात बदलने का संकल्प लिया। हमने वंचितों को वरीयता दी। 2014 में बीजेपी सरकार बनी तो हमने एक दलित राष्ट्रपति देश को दिए। 2019 में बीजेपी सरकार बनी तो देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति मिली। मुफ्त राशन और मुफ्त इलाज की योजना के अधिकांश लाभार्थी एससी एसटी वर्ग के ही परिवार है। अधिकांश एससी एसटी परिवारों को पहली बार पक्के घर मिले, पहली बार टॉयलेट बिजली पानी और गैस का कनेक्शन मिले। बीजेपी ने आदिवासी मंत्रालय का बजट कई गुना बढ़ाया। हमने आदिवासी परिवारों को 23 लाख से अधिक पट्टे दिए। हमने 400 से अधिक नए एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए। साथियों, 10 वर्षों में 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं। हमारी